आना रो ए आओ नीचे आ जाओ समाजवादी पार्टी में तरह तरह की खबरें आ रही हैं कि अखिलेश जी अलग हो गए हैं। कोई खबर नहीं, बातें हैं कोई नहीं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह सही है। कमाल सर, सर आपसे एक सवाल। हेलो, पूछे पूछे भैया पूछिए आप। परमात्मा जी, परमात्मा की तैयारी करो सभी लोग। फोटो खींचे। हाँ, इसमें कोई बात नहीं। घर की तीन तारीख और अखिलेश जी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं इसमें आइए। और पाँच तारीख को आप लोग वैसे जयंती बना रहे हैं। दोनों देखिए, चुनाव नजदीक, बहुत सारे कार्यक्रम हमारे नंबर तारीख लगातार फैल गई। बहुत बड़ा 403 सीटें सपना देखा आपने आज, वो पूरा हुआ। अभी यूथ को यहाँ पर क्रिकेट का मजा सभी से मिली है। उन्होंने कहा सबसे भी चुनाव की तैयारी धर्मेंद्र जी, आजम खान ने जो है अखिलेश को नादान बताया, नादान उनकी टीम बन रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं उन्होंने कहा। मैंने उस बयान को सुना, कुछ लोगों को कहा, कमाल साहब आपसे एक सवाल। तीन तलाक के मसले पे आप क्या कहना चाहेंगे? और शरीयत के मामले में किसी को बोलने का हक नहीं। एक मिनट भैया, भैया सर सर, जो आराम से, जो इस समय जो सबसे ज्यादा जो मसला है तीन तलाक का मसला है, आप क्या समझते हैं क्या तीन तलाक के मसले पे? शादी में मतलब नहीं है, वो लोग तलाक की बात क्यों कर रहे हो? और हर हर मजहब का एक अपना कानून है। और सर आप लोग कभी जाना था कि जिन लोगों की शादी नहीं है किसको इंगित कर रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष को कर रहे हैं? तो उन सब लोगों को कह रहा हूँ जो तलाक के मामले में बोल रहे हैं, उसमें अधिकतर वो लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हैं। अच्छा जी, इस तरह से बीजेपी पार्टी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में दो पहाड़ हो रहे हैं, क्या लगता है आने वाले चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी नेताजी की सीखी हुई पार्टी है और नेताजी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और 2017 में भी हम ही लोग सरकार। इस बार किसका चेहरा होगा? अखिलेश यादव इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे 2017। धन्यवाद सर।